नमस्कार, स्वागत आपका नादे टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है रायपुर से। राजधानी में पहली धर्म संसद आज है। देश भर से साधु संत आएंगे, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए चर्चा करेंगे। धर्म संसद कलश यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी के रावण भाटा मैदान में आयोजन होगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में पहली धर्म संसद होगी आज। देश भर से साधु संत आज जुटेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस धर्म संसद में शामिल होंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस धर्म संसद में चर्चा की जाएगी। धर्म संसद कलश यात्रा भी निकलेगी। राजधानी के रावण भाटा मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। भूजेंद्र, राजधानी में पहली धर्म संसद का आयोजन होना है, कौन कौन इस धर्म संसद में शामिल होने वाला है? सीएम भूपेश बघेल तो रहेंगे, कहां कहां से साधु संत आ रहे हैं आज और कब यह आयोजन शुरू होगा? जी पूनम, आज और कल दो दिन का धर्म संसद का कार्यक्रम रायपुर में रखा गया, जिसमें आज 25 दिसंबर जिसकी शुरुआत होगी निशान यात्रा और कलश यात्रा के रूप में उसकी शुरुआत होगी। साथ ही पूरे देश भर के कई नामी साधु संत आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कालिदास करके संत जो है वो पहुंच रहे हैं रायपुर। साथ ही प्रज्ञा पीटर धीवर माँ साध्वी विपानंद गिरी आ रही है, संत युधिष्ठिर लाल जी आ रहे हैं, साथ ही महंत राम सुंदर दास भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई संत साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कई संत बालक दास वो भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे पूनम। और ये एक बड़ा कार्यक्रम है धर्म संसद, जहाँ पे देश भर के साधु संत पहुंचेंगे और आज निशान यात्रा और कलश यात्रा के माध्यम से ये धर्म संसद की शुरुआत होगी। और ये पूरा कार्यक्रम रायपुर के जो भाटागो स्थित बस टर्मिनल के पास में रावण भाटा है वहाँ पे संचालित होगा। काफी संख्या में लोगों की पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। काफी संख्या में हिंदू लोग यहाँ पहुंचेंगे और धर्म संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पूनम। जी बिल्कुल भूजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि कई साधु संत इस धर्म संसद में शामिल होने वाले हैं, साथ ही सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, इसके अलावा और कौन कौन से नेता मंत्री इस धर्म संसद में शामिल होंगे और साथ ही जो धर्म की रक्षा के लिए तो चर्चा होगी, इसके अलावा और किन मुद्दों को लेकर इस धर्म संसद के दौरान चर्चा हो सकती है? जी निश्चित तौर पर पूनम, की सारे नेताओं को, कोई भी पार्टी के नेता हो जो जिनको निमंत्रण दिया गया वो वहाँ पहुंच सकते हैं। साथ ही ये पूरा कार्यक्रम साधु संतों का है, साधु संतों और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच में धर्म संसद का कार्यक्रम रखा गया। कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है जो आज और कल होने वाला है, सीधा सीधा हिंदू धर्म के कार्यक्रम है। धर्म संसद का आयोजन किया जाए जिसमें पूरे देश भर के हिंदू संत लोग पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम को हिंदू संगठन को मजबूत करने के लिए कराया जा रहा है पूनम। जी बिल्कुल भूजेंद्र, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और इसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, इसके अलावा कई नेता मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आज रायपुर में जो छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, इसमें तमाम नेता मंत्री और तमाम जगह से साधु संत शिरकत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म की रक्षा के लिए चर्चा होगी।